भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के दो डोज के गैप को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के दो डोज के बीच के गैप को बढ़ा दिया था, लेकिन सरकार के सलाहकार पैनल के तीन सदस्यों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सरकार ने वैज्ञानिक समूह की सहमति के बिना ही कोविशील्ड के दो डोज के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया था। सरकार को सलाह देने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI 14 मुख्य सदस्यों में से तीन सदस्यों ने कहा कि इन सिफारिशों को लेकर निकाय के पास पर्याप्त डेटा ही नहीं था। इस पर राष्ट्रीय महामारी संस्थान के पूर्व डायरेक्टर MD गुप्ते ने कहा कि NTAGI ने वैक्सीन के दो डोज के बीच के गैप को 8 से 12 हफ्ते तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। ये सिफारिश WHO की सलाह से की गई थी, लेकिन हमने गैप को 12 हफ्ते से ज्यादा बढ़ाने की कोई सलाह नहीं दी थी। इस पर उन्होंने कहा कि 8 से 12 हफ्ते कुछ ऐसा है जिसे हम सभी स्वीकार करते हैं, 12 से 16 सप्ताह जिसे सरकार लेकर आई है ये ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। NTAGI के सहयोगी मैथ्यू वर्गिस ने कहा कि सलाहकार ग्रुप ने सिफारिश केवल 8 से 12 हफ्तों के लिए ही की थी। दरअसल 13 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के अंतर को 6 से 8 हफ्ते बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का ऐलान किया था। इस दौरान सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI ने ब्रिटेन के रियल टाइम डेटा के आधार पर दोनों डोज के बीच के अंतर को बढ़ाने की सलाह दी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब इस खुलासे के बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पुराने बयान पर अडिग है। मंत्रालय ने NTAGI के कार्यकारी समूह के प्रमुख का हवाला देते हुए दावा किया कि वैक्सीन के दोनों डोज के बीच के गैप को बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित था। मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि NTAGI के सदस्यों के बीच कोई असहमति जैसी बात नहीं थी। वहीं कोविड वर्किंग ग्रुप के सदस्य JP मुलियाल ने कहा कि NTAGI के भीतर टीके की खुराक के अंतराल को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन निकाय ने 12 से 16 हफ्ते की सिफारिश नहीं की थी। दूसरी तरफ NTAGI कह रहा है कि उसने जो फैसला लिया था वो वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर था। इसको लेकर ग्रुप ने बयान जारी करके कहा कि भारत के पास अन्य वैज्ञानिक सबूतों को देखने के लिए एक मजबूत तंत्र है। स्वास्थ्य और समुदाय की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देते हुए ये निर्णय वैज्ञानिक रूप से लिए जाते हैं। दरअसल पिछले महीने दक्षिण कोरिया ने कोविशील्ड को लेकर एक डेटा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में कोविशील्ड वायरस से 86.6% सुरक्षा प्रदान करती है। इस डेटा के आधार पर ही एडवाइजरी ग्रुप में वैक्सीन के दोनों डोज के बीच के अंतर को बढ़ाने का विश्वास बना कि दोनों डोज के बीच गैप बढ़ाना नुकसानदेह नहीं होगा। हालांकि कई लोगों का आरोप था कि सरकार ने वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच के गैप को बढ़ा दिया था।